हेलो गाइस, नमस्कार सबको। मैं हूँ प्रियंका चावला। मेरे चैनल का नाम है आहार बैलेंस। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे और मैं डाइटिशियन हूँ। और सो मैंने सोचा कि मैं एक हेल्पफुल वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, तो मेरी जो वीडियो का टाइटल है वो यही है, हेल्थ टिप्स। मैं आपको 5 हेल्थ टिप्स बताऊंगी जो आपको डेली लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, आपकी हेल्थ को हेल्प करेगा, आपके लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस लेकर आएगा। सबको पता है हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है ही। अगर हेल्थ अच्छी है तो हम सोशली, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली हर तरीके से फिट रह सकते हैं। लेकिन जब हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो हम किसी भी तरीके से वेलबींग नहीं रह सकते। और उसके साथ साथ में भी हमारे साथ वाले जो हमारे पेरेंट्स या हमारे रिश्तेदार या हमारे साथ में जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी है, वो भी एक तरीके से सफ़र करते हैं और वो भी परेशान रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाएं, अच्छा खाएं, अच्छा लाइफस्टाइल जिए, बिकॉज हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आर लाइफ। ये अच्छी है तो हम लोग अच्छे हैं, ये बेकार है तो हमारा सब कुछ बेकार है। तो मेरी फर्स्ट टिप यही है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप मेरी यही है कि यू शुड टेक 5 to 6 मील्स इन अ डे एंड इन बिटवीन मील्स यू शुड ऐड स्नैक्स। 5 to 6 मील्स ले पूरे दिन में, छोटी मील्स ले, ज़्यादा लार्ज मील्स ना ले, स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील्स ले, जिसमें से 2 टाइम जो है आपका स्नैकिंग टाइम होना चाहिए। उसके बाद में आप मेरे उससे सेकेंड टिप यही है कि हम लोगों को हमेशा एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में हमारी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता रहे। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कैसी भी हो, रनिंग हो, वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, डांसिंग हो, अपने घर के काम हो या बाहर के कोई काम हो, वॉकिंग वगैरह, ये सब चीज़ें हमें करते रहना चाहिए। ये हमारे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। योगा करते रहना चाहिए, जुम्बा करते रहना चाहिए, जिसको जो कन्वीनियंट लगे वो वैसा कर सकता है। फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स तो मैं बोलूँगी कि आप कभी भी पूरे दिन में बहुत अपने घर बैठे वर्कआउट्स कर सकते हैं, घर बैठे जिमिंग कर सकते हैं, घर बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो प्लीज़ वो सारी चीज़ें कीजिए। उसके बाद में मेरी थर्ड टिप यही है कि हमें अपने खाने में एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेना है। एक्स्ट्रा सॉल्ट मीन्स कि हमारे को क्या करेगा भाई, सोडियम इंटेक ज़्यादा करेंगे तो हमारे किडनी फंक्शन में भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, हमारे बीपी में भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो इट्स बेटर कि हम एक्स्ट्रा सॉल्ट ना लें। फोर्थ टिप मेरी ये है, हम कुछ भी खाते हैं तो ना ज़्यादा कम खाएं, ना ज़्यादा ज़्यादा खाएं। हमेशा हमें अपना खाना मॉडरेट अमाउंट में ही लेना चाहिए। तो जिससे सबको बताया, ज़्यादा चीज़ें भी बुरी होती हैं, कम चीज़ें भी बेकार लगती हैं। तो इसलिए हम उतना ही वैल्यूएबल चीज़ खाएं जो हमारी बॉडी को अब बेनिफिट दे ना, क्यों ओवर खाएं और क्यों लेस खाएं। तो इट्स बेटर कि हमें क्या करना चाहिए, अपना फूड जो है मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप मेरी ये है कि हमें किसी भी फूड के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बैड है। कोई भी फूड बैड नहीं होता, हर किसी के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, हर किसी की अपनी एक पर्टिकुलर जगह है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है। अब कुछ डिजीज़ होती हैं जिसमें कुछ फूड्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, बट उसके अलावा जो हम फ्रूट्स लेते हैं उनके अपने ही एक तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। और जिनको कोई डिजीज़ नहीं है वो तो सारे फ्रूट्स ले सकता है। तो सबके लिए सब कुछ हेल्पफुल होता है, ऐसा ना सोचे कि कोई भी फूड बेकार है। ऑल फूड आर गुड फूड्स फॉर अस। सो मैं यही बोलूँगी कि फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, पल्सेस हो, ग्रेन्स हो, लेग्यूम्स हो, हर फूड का अपना एक बेनिफिट होता है। तो हमें अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, जिससे हम एक्टिव रहें और हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए। आई होप कि आपको मेरी ये टिप्स हेल्प करेंगी। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आहार बैलेंस। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, ताकि मैं और टिप्स लेकर आऊँ, डाइट प्लान्स लेकर आऊँ, अपने आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करूँ, मेरी नॉलेज शेयर करूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।